सूबे में जहां लंपी वायरस गौवंशों पर कहर बनकर टूट रहा है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौवंशों को बचाने के लिए खुद मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा पर कुछ अधिकारी जो है वो पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। दरअसल ऐसे भ्रष्ट अफसर के हाथों में ये जिम्मा सौंप दिया गया है जो खुद ताने बाने के साथ भ्रष्टाचार की जड़ों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। तस्वीरों में दिख रहा ये भ्रष्टाचार की खेती करने वाला योगी सरकार की साख पर बट्टा लगाने में जुटा है। उन्नाव जनपद में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की कुर्सी पर कलंक बनकर विराजमान वही अफसर अनिल पांडे है, जिसने जनपद के गौशालाओं में बंद 18,000 गौवंशों को 30,000 वैक्सीन लगाने का दावा किया है। अब आप खुद समझ गए होंगे कि जब गौशालाओं में 18,000 गौवंश संरक्षित हैं, तो 30,000 वैक्सीन किसे लगा दी। लिहाजा हमारी तफ्तीश ने घपलेबाज अफसर की पोल खोल दी। वहीं जब पशु अधिकारी से बात की गई तो मामले पर पर्दा डालने की कवायद में जुटे रहे। वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक 270 गौशालाओं में बंद 18,441 गौवंशों को 30,000 वैक्सीन लगाने का दावा करने लगा, जिसके बाद पशु चिकित्सा अधिकारी अपने ही बयान में खुद फंस गया। जैसा कि आप सभी विदित है कि लंपी स्किन डिसीज 21 तारीख से जो शुरुआत हुई है 31 अगस्त, और इसमें हमारे यहाँ पे इनिशियली एक भी केस नहीं था, फिर भी हमने उसी समय पर 30,000 वैक्सीन प्राप्त करके टीकाकरण काम करना शुरू किया, स्पेशली गौशालाओं में। उसको देखते हुए, संभावित देखते हुए, तो सबसे पहले हमने गौशालाओं में टीका लगाना शुरू कर दिया। दूसरा, कुछ दिनों के बाद में एक केस हमको मिला सदर, इसमें उसको हमने ट्रीटमेंट किया। तुरंत हमने जो है उसको ब्लड सीरम सैंपल लेकर कैडरेट इज्जत नगर बरेली भेजा परीक्षण के लिए। तो इस तरह उसके बाद में प्रॉपर सर्वेलेंस होते 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 आज तक 24 ऐसी टोटल केसेस आए हैं, प्रकाश में आए हैं। जब ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम गौशालाओं की पड़ताल करने के लिए पहुंची तो अफसर के गुनाहों की परतें खुलनी शुरू हो गई। वीडियो में दिख रहे जमीन पर मृत अवस्था में पड़े ये गौवंश मियागंज ब्लॉक की गौशालाओं में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इलाज के अभाव में तड़प रहे ये गौवंश इंतजार में हैं कि शायद कोई डॉक्टर आकर उसकी जिंदगी बचा ले। लेकिन पशु चिकित्सा अधिकारी की कुर्सी पर यमराज के रूप में बैठे इस अफसर को इन बेजुबानों पर भी तरस कहां आने वाला है। इंसानियत के नाम पर कलंक बन चुके इस अफसर की भूख इतनी है कि लंपी वायरस से बचाने के लिए गौवंशों को लगने वाली वैक्सीन में भी भ्रष्टाचार की बयार बहा दी है। गौशालाओं में गौवंशों को वैक्सीन लगाने के इसके दावों में कितना दम है, मियागंज की गौशाला में गौवंशों की सेवा में लगा खुद सुखवीर बता रहा है। हम जाने जब सुबह 14 तारीख को एक गाय मरी थी तब हम जाने तैयार थे, तब इनको किशन पाल जो बाबू हैं वो आए थे। उन्होंने कहा कि बिना इजाज़त यू अधिकारी के, किसी के उच्च अधिकारी के इजाज़त के बिना आप लोगों का जाने अंदर नहीं दिया जाएगा, आप पहले अधिकारी से इजाज़त लेके आए। डॉक्टर की लापरवाही से और कुछ चारे की कमी से जो है हमारी समझ में जो है रखते होती है, क्योंकि दुबली गाय हैं। दुबली हैं जी। लगभग 3 दिनों में कितने गौवंशों की मौत हो चुकी है? इसके पहले 14 तारीख को एक गाय मरी थी, आज 17 तारीख को फिर एक गाय मर गई। इससे पहले जो मरी उसकी कोई उसके पहले की हमको कोई जानकारी नहीं। जब 14 तारीख को गौवंश की मृत्यु हुई थी उसके बाद में आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था क्या? धरना प्रदर्शन हमने रात में 9 बजे किया यहाँ पे, फिर उसके बाद डॉक्टर का आश्वासन मिला कि सवेरे पंचनामा होगा, लेकिन फिर भी वो जो है चोरी निकालना चाहते थे, लेकिन फिर जब हम मौके पहुँच गए तब फिर पंचनामा हुआ। अरे ये समस्या आ रही है, चारे की भी समस्या आती है यहाँ। कई बार ये जानवर मृत हो चुके हैं, चुपचाप से निकाले जा चुके हैं, चुपचाप ये लोग निकाल लेते हैं। अभी 14 तारीख को एक गौवंश की मृत्यु हुई थी, उसमें हम लोगों ने धरना दिया, सूचना दी हर जगह, तो आश्वासन मिला कि सुबह जो है इसका वो होगा, फिर भी सुबह निकाल दिए चुपचाप। सुनिए जरा, गौशालाओं में अभी भी वैक्सीन नहीं लगी है और गौशालाओं में बंद गौवंश लंपी वायरस के चपेट में आकर तड़पने को मजबूर हैं, जबकि ये अफसर गौशालाओं में बंद 18,000 गौवंशों को 30,000 वैक्सीन लगाने का दावा कर रहा है। और ये हाल सिर्फ इसी गौशाला का नहीं, सूत्रों का दावा है कि सभी गौशालाओं में गौवंशों की ऐसी ही दुर्दशा है।
चलिए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन्नाव में गौवंशों की दुर्दशा का ऐसा सच जिसे सुनने के बाद शायद सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ भी ऐसे भ्रष्ट अफसर पर जरूर कार्रवाई करेंगे। बीमारी और भुखमरी से गौवंशों की हो रही मौत के सच को दबाने के लिए किस तरह अफसर खेल खेल रहे हैं, राष्ट्रीय गौरक्षा दल के उपाध्यक्ष पवन पांडे ने इसकी पोल खोल दी। उन्नाव की गौशालाओं में किस तरह गौवंश इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं और इन गौवंशों को इलाज मुहैया कराने की बजाय अफसर मृत गौवंशों के शव गायब करवाकर अपने गुनाहों पर पर्दा डाल रहा है। फतेहपुर 84 ब्लॉक की गौशालाओं में रात के अंधेरे में मृत गौवंशों को जब चुपचाप तरीके से निकालने की सूचना गौरक्षा दल को हुई तो मौके पर पहुंचकर बवाल शुरू हो गया। गौशालाओं में गौवंशों की दुर्दशा और यमराज के भेष में बैठे पशु चिकित्सा अधिकारी अनिल पांडे की पोल खोल दी। ये देखिए जो पशुओं में जो बीमारी चल रही है, इसमें देखा हो सुना आपने लंपी वायरस चल रहा है और पशु चिकित्सा अधिकारी की बहुत बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं, पूरी तरीके से देखिए, आप ये देखिए गाय पूरी तरीके से बीमार और गलियों में टहल रही है और ये बीमारी और वायरस फैला रही पूरी तरीके से। इसका इलाज हो जाना चाहिए जो कि नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं। कायदे से इसको टीका लगना चाहिए, इसका पूरा इलाज होना चाहिए जो कि ये अधिकारी की बनती जिम्मेदारी जो इसको निभा नहीं रहे हैं, ठीक है। और इसको आप देख रहे हैं गाय की जो हालत है। अब ऐसे में सवाल ये है कि इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे इन गौवंशों की हत्याओं का जिम्मेदार मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की कुर्सी पर कलंक बनकर बैठा अनिल पांडे अभी और कितने गौवंशों के प्राण लेगा और इन मित्र गौवंशों के शवों को गुपचुप तरह से गायब करने के पीछे मकसद क्या है? कहीं पर्दे के पीछे इन गौवंशों के शवों के सौदे का कोई बड़ा खेल तो नहीं चल रहा है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज भी छिपे हुए हैं।